सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आप सभी लोगों ने हेलेन केलर के बारे में पढ़ा होगा। हेलेन केलर को जब वो बहुत छोटी थी तो बहुत तेज बुखार आया, जिसके कारण उनकी देखने और सुनने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई। तो ये चैप्टर आपका हेलेन केलर के बारे में है। हेलेन केलर कहती हैं, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो उनकी मित्र का जवाब होता है, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। बच्चों, हेलेन केलर कहती हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा ले लेती हूँ। एक बार उसने अपनी एक मित्र की परीक्षा लेते हुए कहा, वो जब जंगल गई थी उसके मित्र घूमने, तो जब जंगल से लौटी तो हेलेन केलर ने उससे पूछा कि तुमने जंगल में क्या क्या देखा। तो उसकी मित्र कहती है, उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है, मैंने कुछ खास नहीं देखा जंगल में। तो हेलेन केलर को आश्चर्य नहीं हुआ ये बात सुनकर, क्योंकि अब वो हैबिचुअल हो चुकी थी इस तरह के उत्तरों को सुनने की। तो हेलेन केलर कहती है कि वो कहती है कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। कह रही है, मेरी मित्र की तो आंखें हैं, वो तब भी कह रही है कि मैंने जंगल में कुछ खास नहीं देखा। कहती है, मैं जो अंधी हूँ, तो जब मेरे को हर दिन सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हों को मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। मैं इसको छू कर ही, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को सिर्फ छू कर पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। कह रही है, मुझे फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, उनको छूने में और उनकी बनावट को देखकर महसूस करने पर बहुत खुशी मिलती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। और कहती है, कभी कभी जब मैं टहनी में हाथ रखती हूँ, अचानक से किसी चिड़िया का सुंदर स्वर, मधुर स्वर, मीठा स्वर मेरी कानों में गूंजने लगता है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बच्चों, जो चीड़ की पत्तियाँ जो हो जाती है ना, फैलती हैं, यहाँ पर चीड़ के बहुत पेड़ होते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल देखो उनकी पत्तियाँ बहुत छड़ी हुई हैं। कह रही है, उसका जो घास से मैदान बन जाता है ना, वो मुझे एक बहुत महंगे जो कारपेट होता है ना, उससे भी अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जैसे ही वेदर चेंज होता है, ये समा मेरे जीवन में एक नया रंग भर देता है। इससे मेरे जीवन में खुशियाँ आती हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों के देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन ही मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। कह रही हैं कि जब मैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को छूती हूँ, प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए, कह रही हैं, कभी कभी मेरा मन मचल उठता है कि मैं भी प्रकृति की सुंदरता को देखूं। लेकिन कहती है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता। जो मनुष्य के पास होता है ना, वो कभी भी उसकी कदर नहीं करता, कभी उसकी कदर नहीं करता। हमारे पास प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत सुंदर तोहफा है, हमारी आँखें। बच्चों, कल्पना करो कि एक अंधा व्यक्ति जो होता है, उसके जीवन की जो अंधेरी रात होती है ना, वो कभी नहीं खुलती, क्योंकि उसके जीवन में
हमेशा अंधेरा है, आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो और सोचो कि अंधे आदमी जो होते हैं उनके जीवन में वह अंधेरा हमेशा है। तो वो कहती हैं कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, हम उसकी कदर नहीं करते, ठीक है, हम हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहते हैं जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। कहती हैं जो दृष्टि मतलब नज़र का जो आशीर्वाद भगवान ने हमको दिया है ना, हम कितनी साधारण चीज़ उसको समझ पड़ते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। कह रही है देखो बेटा, आप लोगों ने कभी इंद्रधनुष देखा है, उसमें कितने सुंदर सुंदर रंग होते हैं, उन रंगों को आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि भगवान ने हमें एक अमूल्य तोहफा दी है, हमारी आँखें। तो वो ऐसी कह रही हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ होता है ना, उनके जीवन के रंग इंद्रधनुषी रंगों से भर जाते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। एक छोटा सा परिचय मैं आपको हेलेन केलर का करवा देती हूँ। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में टस्कम्बिया नामक एक कस्बे में हुआ था और 1 जून 1968 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, हेलेन केलर जो है हमारे जीवन में किसका संदेश देती है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखना कि जो हेलेन केलर हैं उनका जन्म 27 जून 1880 को टस्कम्बिया नामक एक कस्बे में हुआ था और 1 जून 1968 मात्र 87 साल की जब वो थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।